हाँ टाइटन 3600 पे। तो स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, इसमें डिप नहीं किया, खरीदा नहीं चाहिए। अब 36 पे लिया है, 36 27 में ट्रेड कर रहा है, इसमें आपको मिलेगा थोड़ा रेसिस्टेंस करीब 3800 के आसपास है। अगर आप ट्रेडर हैं तो 3800 के आसपास निकल जाएगी, अगर आप ट्रेडर हैं तो, वरना तो होल्ड कीजिए। इसमें जब ये ब्रेकआउट मिलेगा 3800 के आसपास, फिर तो 4000 पार कर लेगा। बाई मोड पर है, इसमें करेक्शन जब भी आते हैं एब्जॉर्ब होती है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है टाइटन। ओके तो निशि जी दोनों शेयर आपके होल्ड करने लायक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करिए उनको आप। चलिए अगला सवाल है गुरमीत सिंह जी का भटिंडा से। टीवी पे बैठा हूँ। जी गुरमीत जी। हाँ जी सर, मैं टीवी पे बैठा हूँ सर, मैं बठिंडा से बोल रहा हूँ, पंजाब से। हाँ सर बोलो जी। हाँ जी, मैंने 100 शेयर तो लिया गेल जी, 110 रुपए में, 210 रुपए में, 210 में, और 100 शेयर जियो फाइनेंशियल लिया मैंने 372 रुपए में जी। ओके क्या तो करना क्या चाहते हो सर, इसके बारे में राय लेनी थी आपसे। अच्छा राय दिलवाई जाती है आपको भी। गावा सर गेल में बताइए पहले, 210 पे लिया है 100 शेयर इन्होंने। मेरे ख्याल से चलेगा, होल्ड करना चाहिए, थोड़ा पॉसिबल है, लेकिन घबराइएगा, पॉसिबल है कि 180 170 भी आ जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पर ऐड कीजिए, मैं एक बार भी नहीं कहता कि वहां आएगा, अगर आता है तो अच्छी जगह ऐड करने की, लेकिन इसको होल्ड कीजिए 1 2 साल के लिए। और दूसरा जियो फिनेंस 372 पे 100 शेयर। इसको तो बेचना नहीं चाहिए, होल्ड करना चाहिए 2 4 सालों के लिए। ये स्टॉक बढ़िया है, मुझे पसंद है, अभी आप डिस्क्लोजर दोगे। 2 4 साल के लिए होल्ड करना चाहिए। गुरमीत बाजी 2 4 साल के लिए होल्ड करोगे जियो? अरे गुरमीत पाजी टीवी सुन रहे हैं। अच्छा ये डिस्क्लेमर तब तक आप पढ़ लीजिए, क्योंकि जियो फिनेंस और इस टीवी चैनल का स्वामित्व तो एक ही व्यक्ति के पास है। चलिए एक फटाफट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और वो सवाल है रजत सिंह का नोएडा से। रजत जी नमस्कार। सर मेरे सवाल है, एक HPCL पे हाँ 400 रुपए की बाइंग है, 500 शेयर हैं, उसको होल्ड करना चाहता हूँ लंबे समय के लिए, 2 4 साल के लिए, कर सकता हूँ? 2 4 साल के लिए गावा से, 2 4 साल के लिए HPCL सही रहेगा? कंपनी तो बढ़िया है, चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, भागा है 250 to 600, नियरली डबल हो गया और क्या, लेकिन अब साइडवेज होगा थोड़ी गिरावट के लिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो 450 के आसपास है, जाना चाहिए ऊपर बिल्कुल। अभी ऑल गवर्नमेंट स्टॉक्स PSUs, इसमें तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ओके, इसको होल्ड करना चाहिए रजत जी आपको। और अभी तो खैर दाम नहीं बढ़े, लेकिन चुनाव के बाद सुखता पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े, फायदा भी होगा इनको, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं अभी। गाबा सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।